आएंगी एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए, टू एनकरेज वन अनदर। सो वी सेंट वन दिस अबाउट हाउ टू बी डाइंग टू सेल्फ एंड एक लिविंग सैक्रिफाइस, टू बी अ लिविंग सैक्रिफाइस। सो वी कैन ऑल शेयर वन बाय वन व्हाट, बिकॉज दैट वी हैव टू डू डेली। सो वील स्टार्ट विद दैट वर्स इन सेकंड कोरिंथियंस। ब्रदर राजू इज देयर टू ट्रांसलेट? या यस ब्रदर। सो सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर फोर फोर, या वील रीड दिस पैसेज फ्रॉम सेवन ऑनवर्ड्स। हम सात से आगे पढ़ेंगे। But we have this treasure in earthen vessels, that the surpassing greatness of the power may be of God and not of ourselves. We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not despairing, persecuted, but not forsaken, struck down and not destroyed, always carrying about in the body the dying of Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. परंतु हम मिट्टी के पात्रों में यह धन इसलिए रखा हुआ है कि सामर्थ्य के असीम महानता हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो सहते हैं परंतु मिटाए नहीं जाते, निरुपाय तो होते परंतु निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को सदा अपने देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट हो जाए। हम जो जी रहे हैं सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणशील शरीर में प्रकट हो। Amen. Okay. 11. So this is that we see that God has given us a treasure. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें खजाना दिया है। And that treasure we get it when we come, become born again and become the children of God. और ये जो खजाना है तभी प्राप्त होता है जब हम प्रभु में आते हैं, नया जन्म प्राप्त करते हैं। We become the most valuable people for God in this world. और हम परमेश्वर के नजर में बहुत ही कीमती मूल्यवान बन जाते हैं। We are the billionaires, the top people whom God admires and loves. और हम परमेश्वर के नजर में बहुत ही उनके लिए बहुत भले हैं और अच्छे हैं, उनके नजर में हम बहुत कीमती हैं। In the eyes of God, we are the richest people. और प्रभु के नजर में हम बहुत धनवान हैं। We may be not very rich. We may not have much money in this world, but we have the eternal riches. हो सकता है आपके पास पैसे जायदाद या नहीं हो, लेकिन हम प्रभु के नजर में बहुत ही कीमती हैं। Because the life of Jesus Christ has been given to us because we trusted in Jesus Christ, trusted in God's Son. और यीशु का जीवन जो है हमें दिया गया है क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह उनके पुत्र पर विश्वास किया है। And as we live our life, we want God wants this treasure to increase. और जैसे ही हम ये जीवन जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम ये जो खजाने हैं इस ये जीवन में हमारे बढ़ते जाएं। It says that many times the people, Apostle Paul and all that, the grace and peace be multiplied to you. और जैसे प्रेरित पौलुस पत्रस और वचन में बताते हैं कि प्रभु का जो अनुग्रह है तुम में बढ़ता जाए। Suppose we are worth 1 crore, each one of us. मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है। So to multiply means every year it should be multiplied 10 times, 100 times. So we become 1 million crores or the 10,000 crores in a short time. और हर साल जो है 1-1 करोड़ उसमें ऐड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ऐसे करते करते बहुत ही ऊंचे अमाउंट भी बढ़ जाता है। Not add, just multiply. What does it mean multiply? उसका जो है गुना हो जाता है, उससे दुगुना हो जाता है। So God wants us to become very spiritually rich. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक तौर पे बहुत ही धनवान रहें। And the only problem for me to become rich is my own self-will. और हम जो धनवान इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हमारा जो खुद का जो इच्छा है वो हमें हमारे जीवन में रोक रहा है। That is why God in His kindness sends us so many troubles and problems in our life every day. और इसलिए प्रभु का जो है हमारे प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ और अलग अलग परिस्थिति हमारे जीवन में देते हैं। But because God has done so much for us, we never give up.
और परमेश्वर ने हमारे लिए इतना भला किया है कि हम इसे कभी भी हार नहीं मानते। Apostle Paul says, and we are saved, we are afflicted, we are, so, we are given so many troubles and so many problems come across our life. और जैसे प्रेरित पौलुस वचन 8 में बताता है, हम चारों ओर से कलेश तो सहते हैं परंतु मिटाए नहीं जाते। Yeah, and then we are sometimes perplexed. We don't understand what is happening to us. और कई बार ऐसा तो होता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या बीत रहा है, वो भी ऐसा सिचुएशन भी हमारे जीवन में आता है। So, but then we do not despair. इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। No, we do not despair, he says. और ये कहते हैं कि हम कभी निराश नहीं होते। The Apostle Paul said, I cannot understand what is happening to my life, but I do not despair because I know God is working something good in my life. और पॉलस कहता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। I am persecuted, but not forsaken. मैं सताए तो जाता हूँ परंतु मैं त्यागी नहीं जाता। God never leaves me. क्योंकि परमेश्वर जो है हमें कभी नहीं छोड़ेगा। God allows all his children to be harassed and persecuted. और परमेश्वर जो चाहते हैं कि परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनके जो संतान है वो सताए और दुख से जाए। So, but God will always stand by them. लेकिन परमेश्वर जो हमेशा उनके लिए खड़ा रहते हैं। And many times we are struck down also and given unnecessary punishments. और कई बार हम उसमें गिर जाते हैं और बिना मतलब का बहुत सारे सजा हमें भुगतना पड़ता है। But our spiritual life is not destroyed. लेकिन हमारे जो आत्मिक जीवन है कभी भी हार नहीं होता है। Because why? Because we are carrying about in our body the dying of Jesus Christ. ऐसा क्यों है? क्योंकि हम यीशु की मृत्यु को अपने शरीर में लिए फिरते चलते हैं। What is the meaning of dying of Jesus Christ? और इसका क्या मतलब है कि यीशु की मृत्यु को हम अपने देह में लिए चलते हैं? That means I say, Lord, I don't want my will to be done. I want your will to be done. और इसका मतलब यह है कि प्रभु आपकी इच्छा हो जाए मेरे जीवन में, मेरी इच्छा ना हो। That's how Jesus lived every day. और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हर दिन जीवन जिए। And then when we live like that, then the life of Jesus also, the character of the Lord, the divine nature also will be manifested in you and me. और अगर हम इस प्रकार से जीते हैं तो स्वर्गीय जीवन जो है हमारे जीवन में आ जाएगा। We sang this beautiful song, Have Thine Own Way, Lord, Have Thine Own Way. और जैसे कि हमने ये गीत गाया कि प्रभु आपकी इच्छा अनुसार हो, आपकी इच्छा अनुसार हो। You are the potter, I am the clay. आप हैं जो कुम्हार है और मैं हम मिट्टी हैं। He says, and one of the verses says that Christ only should be seen in me in the end. और मेरे जीवन के अंत दिन में मसीह ही हमारे जीवन में दिखाई देगा। See, the purpose of God is that Jesus Christ, the life of Jesus Christ and the character of Jesus Christ will come into our life. और इसका मेन मकसद यही है कि प्रभु यीशु का जो जीवन है वो हमारे जीवन में आ जाए। That is why he allows us to go through so many hardships and problems where we can give up our will. इसलिए परमेश्वर जो है बहुत सारे दुख, सताव और तकलीफ से हमें जाने देते हैं जिससे कि हम मजबूत बने। So that in this life that we live in this earth, we can become like Jesus and can show forth this joy and peace and love and goodness to other people. और जैसे कि हम इस पृथ्वी पर जब शरीर में जीते हैं तो हम हर प्रकार के वैसे ही जीवन आनंद, प्रेम और शांति में जिए। That is the purpose of our Christian living. और यही जो है मसीह जीवन का एक मकसद है। Most believers have not understood it at all. और बहुत सारे विश्वासी जो है इस बात के बारे में नहीं समझ पाते। Even in CFC, after hearing so many times, we just want God to take out of all our troubles and problems, and we should have no problems in life. और इवन सीएफसी कलीसिया में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो समस्याओं में नहीं जाते, वो समझ नहीं पाते। We only want God to forgive us and take us out of all our problems. और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा मिल जाए, बस इतना ही सोचते हैं। And that we should have no problems in life. और ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन में कोई समस्या ना आए। But problems are good for us. लेकिन जो समस्या आते हैं हमारे जीवन में वो हमारे भलाई के लिए है। And that's why James says you should consider it all joy because when you fall into different types of problems and difficulties in your life. और इसलिए प्रेरित पौलुस पत्रस कहते हैं कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं पर हो तो आनंद की बात समझो। Then I can die to my own will. तब हम अपनी इच्छा को मार देंगे।
See, many times our own selfish will is hidden inside our life. और बहुत सारे ऐसा समय होता है जो हमारे जो है खुद की इच्छा है जो है छिपे हुए जीवन में चलता रहता है. And only in the problems in our home and problems in the workplace and problems in the church, these things come out of our life. और यही जो है जब समस्या हमारे घर में या काम के जगह पे होता है तभी हमें समझ में आता है हम कहाँ पर हैं. Then the Holy Spirit shows us how selfish and how proud we are. और तब पवित्र आत्मा हमें बताता है कि तुम कितना स्वार्थी हो. And then there is an opportunity for me to give up my will and say, Lord, let your will be done in this matter. और उस समय हमें एक ऐसा अवसर मौका मिलता है कि प्रभु से कहने का, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में हो जाए. And we have an option also not to do God's will, but we can do our will. और यहाँ पे चुनाव भी है, या तो आप प्रभु की इच्छा पूरा करें या आपकी इच्छा पूरा करें. Whenever we do our will, we keep on sinning. और जब कभी भी हम अपनी इच्छा की ओर जाते हैं तो हम पाप के रास्ते में चले जाते हैं. And all the sins, the past sins begin to come back. और जो भी पुराने पाप है वो हमारे जीवन में फिर से आ जाते हैं. We see in Galatians chapter 5 that the works of the flesh are so many types of sins believers can fall into. और हम गलतियों के अध्याय 5 में देखते हैं कि शरीर के काम वहां पे बताए गए कितने सारे पाप हैं. We see those verses, sins. वो हम देखेंगे गलतियों के अध्याय में. Galatians chapter 5. गलतियों के अध्याय 5. Verse 19. वचन 19. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality. अब शरीर के काम तो स्पष्ट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता और कामुकता. See, the first thing that this flesh, when we do our own will, all sorts of immorality comes into our minds and lives. और पहली बात जो है शरीर की जो अभिलाषा है वो पहला है अश्लील बातें, अश्लील चीजें हमारे जीवन में. Then we were not come to the Lord. We had so many sexual dirty thoughts. और कितने सारे जो है हमारे मन विचारों में लैंगिक सोच विचार आते हैं. And all the dirty things we used to see on the internet and the WhatsApp and whatever it is. और कितने सारे जो है गंदे चलचित्र है अलग अलग वेबसाइट सोशल मीडिया पे. So our mind used to be full of that, and because of that we used to behave in a very immoral way. और उसका कारण परिणाम क्या होता है, वो सारी चीजें हमारे मन में आ जाते हैं और फिर उसके अनुसार हम व्यर्थाव करने लगते हैं. So the same thing as the believers also, if we don't obey the Holy Spirit and we want to do our own will, we'll fall into all sorts of decisions we take, we'll fall into all sorts of sexual sins. और यदि आप हम अपनी इच्छा पूरी करेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे लैंगिक अपराध में गिर जाएंगे. It says about impure thoughts. और उसके बाद बताता है अशुद्धता विचार. And sensuality means showing off our body and you know exposing ourselves to our naked body to other people. और उसके बाद जो है कामुकता, जो अपने ही अभिलाषा को और अपने शरीर को दिखाना लोगों को. See, all these things the flesh likes very much. और ये सब जो बातें हैं वे शरीर को बहुत ही अच्छा लगता है. Especially sexual sins are very attractive to men. और जो लैंगिक अपराध है, अभिलाषाएं है, वो मनुष्य के ज्यादा तीव्र इच्छा में होता है. Women do not have these sexual desires very strong. और महिलाओं में जो होता है ये जो अभिलाषा है वो ज्यादा नहीं रहता है. It's only when we cry to God for help and the power of the Holy Spirit we can overcome it. और ये तभी हम जयवंत हो पाएंगे जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे और हम उसके द्वारा हम जयवंत हो जाएंगे. And we have to be alert in these things every day. और हमें इस क्षेत्र में बहुत ही चौकस और चौकन्ना रहना है. All of us, even when we grow old also, up to 70, 80 years also, we have these strong sexual desires still there. और यदि आप ज्यादा उम्र के भी हो गए हैं, फिर भी हमें इस क्षेत्र में हमें चौकस रहना है, क्योंकि ये जो इच्छा है अंत तक बहुत उम्र तक भी रहता है. The Apostle Paul told Timothy to, even though he was a godly man, to run away from all youthful lusts. Paul ने तिमोथी को बताया कि तुम जवानी की अभिलाषाओं से भाग जाना. If we don't run away, then we will fall into it. All these bad habits will be very difficult to take out from our life.
और अगर आप नहीं भागोगे तो बहुत सारी चीजें ही जीवन में तुम्हारे आ जाएगी। We can secretly watch all sorts of programs on the YouTube and all these things, and nobody sees. और हम बहुत सारे गुप्त रीति से YouTube पे और अलग अलग चीजें हैं जो गंदे चलचित्र आते देख सकते हैं, The Holy Spirit also is watching that. लेकिन पवित्र आत्मा जो है आपको देख रहा है। He tells us now, you stop that. Don't watch that. This is not good for you. और पवित्र आत्मा आपको आवाज देगा, देखो ये मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, They will take you, make you a very worldly man. और ये तुम्हें संसार की जीवन रीति रिवाज पे जीने के लिए बना देगा। But there is a strong pull for us in our lives to do the worldly things. लेकिन जो है हमारे अंदर बहुत सारा एक तीव्र इच्छा आती है संसार की इच्छा करने के लिए, But we must say, no, Lord, I want to please you. One day I have to stand before you, Lord, please help me. लेकिन हमें कहना है, उसे ना बोलना है और कहना है, प्रभु एक दिन मुझे आपके सामने खड़े होना है, And then God will help us. तब प्रभु जो है आपकी सहायता करेंगे। Then we will get this pull will come less and less, and then we will start hating all these evil things. और फिर आपके जीवन में पाप के प्रति नफरत जो है बहुत तेजी से आ जाएगा। And then we see in verse 20 of Galatians chapter 5. और उसी अध्याय में हम 20 वचन देखेंगे। Then there is idolatry. फिर आता है मूर्ति पूजा। That is idolatry means not that we have physical idols, but we may admire so many things of this world. और मूर्ति पूजा वो जो दिखाई देते हैं मूर्तियों पत्थरों से बने वो नहीं, लेकिन बहुत सारे अलग मूर्ति पूजा जो है हमारे हृदय में है। We may love money, we may love good clothes, we may love sports. Everything that is before God becomes an idol. और ये हो सकता है हम पैसे से प्रेम करते हैं और अलग अलग हम खेल कूद से ज्यादा प्रेम करते हैं, और बहुत सारी बातें जो हम उससे प्रेम करते हैं। And verse 20 further it says that there will be sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions. आगे बताता है, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, डलबंदी। All sorts of fighting, quarreling, enmities all start when we want to please ourselves. और यदि हम अपनी इच्छा को करना चाहेंगे तो ये सब पाप जो है आ जाएगा, जैसे झगड़ा, मारपीट, वैश्य, बैर और क्रोध। We want to make our small groups and we want to be disunited. We don't want to be united with God. और हम फिर प्रभु की संगति में रहना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि हम उससे बाहर चले जाएंगे। Then we go down and down further. We go into drinking alcohol and then we go into parties and enjoying life of this with the worldly people. और फिर हम संसार के लोगों के साथ ही खाना पीना, मौज मस्ती और दारू और ये सब में हम चले जाएंगे। The Apostle Paul said, "Those who practice these things will not enter the kingdom of God at all." और वचन बताता है कि जो अगर इस प्रकार से जीवन जी रहे हो, परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। So there is a warning for us also. Just because we become believers, even the treasure also that we have in our life can be lost. और यह हमारे लिए चेतावनी है कि हम कहीं इस जीवन से कहीं वंचित ना हो जाएं। There are so many believers who are there sitting in the churches. They are doing what their flesh desires, and then they have become very spiritually backslidden, and the love and the joy and peace, their life have gone away. और बहुत सारे हैं कलीसिया में भी है जो अपनी ही इच्छा करना चाहते हैं, अब उनके अंदर आत्मिक चीजों के लिए जो इच्छा है वो चला गया है, वो पीछे चले गए हैं। But those who listen to the Holy Spirit, we find that in Galatians chapter 5, the fruit of the Spirit, verse 22, is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Self-control against such there is no law. और उसी अध्याय में वचन 22, परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वास, इतना है, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। So now in verse 24 says those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. और वचन 24 कहता है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। So now, if I belong to Jesus, every day I must kill all these desires which come: desire to make more money, desire to hate other people, desire for sexual desires which are wrong. All these things I must put it away. All the desire to be proud and to be famous and to be prominent. और हम यीशु मसीह के हैं तो अब हमें शरीर की सारी अभिलाषाओं को मार देना है, जैसे कि संसार में महान बनना, आदर आदर पाना और अलग अलग चीजें जो है जो हमें उसे मार देना है।
So it, that's how, why, that's why God has given us the Holy Spirit. और इसलिए परमेश्वर ने हमें सहायता के लिए पवित्र आत्मा दिया है। Earlier we were just living in all these sins, and because of that we are separated by, from God. और पहले हम जो थे अपने ही इच्छा अनुसार जीवन जीते थे और परमेश्वर की संगति से बाहर थे। So that is why God allows all these situations and trials to come across our life to show us our true nature. We cry to God, and God gives us help, and we become overcomers. और इसलिए परमेश्वर जो है हमारे जीवन में बहुत सारा दुख तकलीफ सताव भेजते हैं जिससे हम आत्मा में मजबूत रहे प्रभु की संगति में साथ साथ चले। So daily we have to become, as the, as Romans chapter 12 says, we have to be a living sacrifice. और जैसे कि रोमियो के अध्याय 12 में बताता है कि हमें एक जीवित बलिदान करके प्रभु को चढ़ाना है। Every day my life should be not for myself but for Jesus Christ, and in the end I will get a good result. और हर दिन हमें अपनी इच्छा को मार देना है, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। Sometimes we see every day doesn't make much difference in our life. और कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। But then I have to be faithful every day. लेकिन हमें विश्वास योग्य उसमें बने रहना है। God gives us one day to live for him. और प्रभु जो है एक एक दिन हमारे जीवन देते हैं उनके लिए जीना है। For example, if somebody wants to have a strong body, a man wants, is very thin and he wants to have a strong body. और मान लीजिए कि एक व्यक्ति है बहुत पतला है और चाहता है कि मैं मेरा शरीर बहुत ही तंदुरुस्त मजबूत हो जाए। So what he has to do daily, he has to do exercise. तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे डेली उसे एक व्यायाम करना चाहिए। He may not have much, cannot go to a gym, he cannot afford, but he can do all the simple exercise at home, dand baithak, and he can eat well, and then every day they will not be, you cannot see the progress. और वो जिम तो नहीं जा सकता, लेकिन वो अपने अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत रूप से वो उठक बैठक और अलग अलग जो है वो व्यायाम कर सकता है। And then after one or two years, we find that his body has become very big and strong, and he's got good muscles. और उस समय कुछ समय के बाद हम देखते हैं उसका परिणाम यह होता है कि उसका शरीर बहुत ही मजबूत हो गया है और अच्छा बॉडी हो गया। Since he was sleeping and overeating, he starts doing exercises. और वो जो सोता रहता था और आलसीपन रहता था, अब वो अच्छा से एक्सरसाइज कर रहा है। Instead of watching the TV and internet and all these mobile, he takes time, he sacrifices that time and does his exercises. और उसके बजाय कि टीवी और अलग अलग इंटरनेट और अलग अलग जो समय बिताते उसको उसने त्याग कर उसने व्यायाम एक्सरसाइज करना शुरू किया। And gradually over a period of months and one year he loses his weight and he gets more muscle and becomes strong. और कुछ समय बाद उसका परिणाम यह होता है कि वो बहुत ही मसल्स बहुत मजबूत हो जाता है और वो सब जो उसका जो वजन है वो भी बैलेंस हो जाता है। So that's how God also does his work in our life. It's slowly, day by day, those who are faithful, they become spiritually strong. और ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी होता है। परमेश्वर जो है हर दिन हम समय जैसे जैसे जाता है हम उसमें मजबूत होते जाते हैं। You know, it is not easy to do exercise. और हम जानते हैं कि जो व्यायाम करना उतना आसान नहीं है। It is painful and it takes time and pain and ache. But if you, those who persist with it, they make progress in their body. और हम जानते हैं ये बहुत आसान नहीं है, इसमें समय देना पड़ता है, हमें बहुत दुख दर्द उठाना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद है उसमें अच्छा फल आता है। It requires discipline and hard work. और वो क्योंकि उसमें जरूरत होता है अनुशासन और कड़ी मेहनत। So in our spiritual life also, if we faithfully listen to the Holy Spirit and die to ourselves and not to do our will, it is painful for us. और वैसे ही हमारे मसीह जीवन में हमें खुद के लिए मरना बहुत दुख और दर्द होता है, लेकिन हमारे लिए भला है। If somebody insults us or tells something bad about us, we feel the pain, but if we just humble ourselves and keep quiet and ask God to help us, God will give us the ability to overcome these insults. जब कभी भी आपको कोई बुरा शब्द कहता है, आपके प्रति कोई सताव या दुख देता है, तो उस समय हमें धीरज रखे हुए रहना है, इसमें दुख बहुत दुख उठाना पड़ता है। That's how we become spiritually strong. और इस प्रकार से हम बहुत ही आत्मिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे। Then we overcome all these dirty thoughts in our lives and all these sexually impure thoughts and anger and bitterness and all these things becomes less and less. We get more and more power over these things.
और फिर सब प्रकार के जो हमारे अंदर अश्लील विचार आते हैं, अलग अलग अभिलाषाएं हैं, लैंगिक अभिलाषा है, ये सब से हम बाहर आ जाएंगे और फिर हमारे अंदर जो इस प्रकार के जो विचार है नहीं आएंगे। So God is so good, He gives us so many troubles and problems so that we can become spiritually strong and become like Jesus Christ. और परमेश्वर भला है, वो हमारे जीवन में ये सब समस्या और तकलीफ इसलिए देता है क्योंकि हम आत्मा तौर में और भी मजबूत होते जाएं। That is why we have to deal with difficult people, situations, financial problems. और इसलिए हम बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे पैसों के मामले में और अलग अलग सिचुएशन में हमें उनके साथ काम करना पड़ता है। Even the problems our relatives and friends are all for our good. और जो भी सताव जो हमारे रिश्तेदार के द्वारा आता है वो भी हमारे लिए भला है। It works for us and a wonderful result in our own life. और ये जो है एक दिन हमारे लिए सही परिणाम लेके आएगा। So with great hope and confidence we look forward and do all these spiritual exercises. और हमारे पास ये बहुत बड़ा ही आशा है और एक दृढ़ता से हम इसमें आत्मिक में बढ़ सकते हैं। We must not get discouraged if we fall. और हमें निराश होकर गिर नहीं जाना है। We must get up again and start doing these exercises. और हमें तुरंत उठ जाना है, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। Then we'll get victory over our anger and dirty thoughts and love of money and so many other things. और तब हम सब प्रकार की जो गुस्सा है, लालच है और अलग अलग शरीर के विचार है और गंदे विचार, सब पे हम जयवंत हो जाएंगे। And getting offended. और जैसे कि हम कई बार निराश हो जाते हैं जल्दी से। And getting grumbling and complaining. और बहुत सारे कुरकुराना और शिकायत करना। Then that will become a thing of past. We start praising God and thanking God in every situation. और फिर हम इस सब बातें से जब बाहर आएंगे तो प्रभु को हम धन्यवाद देते रहेंगे। So thank God for that, for all these wonderful trials where we can lay down our life. प्रभु का बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये सब चीजें आने देते हैं। So God is working everything for good. क्योंकि प्रभु जो है, प्रभु हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। So let us encourage one another, brothers. तो आइए भाइयों, हम सब एक भाई को एक प्रोत्साहन दे दें। So Brother Ratnaswami can share something, and then after that we can hear brothers share one by one about how God is teaching us to lay down our life and to live for Jesus Christ and not for ourselves. और भाई रत्नस्वामी पहले शेयर कर लेंगे, उसके बाद सब भाई एक करके शेयर कर सकते हैं कि हमें अपने लिए नहीं जीना है बल्कि प्रभु के लिए जीना है। I thank God for today's encouraging words. और मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ उनके प्रोत्साहन भरे वचनों के लिए। So we go read Second Corinthians chapter 4 verse 10. Please read, brother. Yes, brother. दूसरा कुरिन्थियों 4:10 पढ़ेंगे। हम यीशु की मृत्यु को सदा अपने देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट हो। Yes. So as we heard, Christian life is very not easy. और हम जैसे कि सुनते हैं मसीह जीवन जो है आसान जीवन नहीं है। So as brother shared, James told when we meet difficulties in life, joy, we have to rejoice. और जैसे भाई ने शेयर बताया कि याकूब के अध्याय से कि हम जब भी नाना प्रकार के अलग अलग समस्या आते तो हमें आनंद समझना है। You see, for our sins, Jesus voluntarily died on the cross and rise again. और हम देखते हैं प्रभु यीशु ने हमारे ही अपराधों के लिए उन्होंने दुख उठाया और हमारे ही पापों के लिए मर गए। You see, all the apostles also died for the gospel's sake. और हम देखते हैं कि सारे प्रेरित जो थे सब सुसमाचार के कारण अपने आप को जीवन दे दिए। They did not love their life. और उन्होंने अपने जीवन से कभी प्रेम नहीं किया। They did not do the self will in their life. और अपने जीवन में खुद की इच्छा कभी नहीं किया। You see, they spread the gospel for the sinner's sake, for not their sake. और उन्होंने जो सुसमाचार जगत में फैलाया वो अपने लिए नहीं बल्कि पापियों को मन फिराव के अवसर के लिए। We must also follow their footsteps. और हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना है।
when Jesus told Matthew chapter 5 verse 10 to 12, please read, brother. Yes, मत्ती के अध्याय 5 में उसमें हम पढ़ेंगे 10 से 12. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है. धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहे. So here you see rejoice, verse 12 I am reading. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. और वचन 12, आनंदित और मगन हो क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है, उन्होंने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था. So when we follow footstep of Jesus, we may face so many difficulties and suffering and pain, my dear brothers and sisters. और जब कभी हम प्रभु के यीशु के पद चिन्हों पे चलेंगे, हम बहुत सारे दुख और कठिनाइयों का सामना करेंगे, भाई बहन. John 16 verse 33 told, in this world you will have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. और यहोन्ना के अध्याय 16:33 में बताता है कि प्रभु ने कहा, संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. Second Timothy chapter 3 verse 12 says, if we follow Jesus, we will be persecuted. और दूसरा तिमोथी अध्याय 3 में 12 कहता है, हम जब प्रभु यीशु मसीह में भक्तिवान जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हम सताए जाएंगे. So we may face so many problems, my dear brothers. और इसलिए भाइयों, हम बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना करेंगे. But our God Jesus is living. लेकिन प्रभु यीशु हमारा जीवित परमेश्वर है. He will strengthen us. और वो हमें सामर्थ देगा. If only we live for Him. और हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए जीवन जीना है. So we should decide to live for Jesus, then God will bless us. Amen. तो हमें निर्णय लेना है कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु की स्तुति हो. आमीन. सो ब्रदर्स, आप भी एक एक करके शेयर कर सकते हैं, प्रभु आपका जीवन में क्या सिखा रहा है, दिन प्रतिदिन कैसे आपको इच्छा को मारना है, प्रभु की इच्छा करना है, टू बी ए लिविंग सैक्रिफाइस. रोज हमको सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं, तो एक करके ब्रदर्स आपको ये मौका है. कोई भी शुरू कर सो. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. प्रभु ने मुझे भी उत्साह किया है इन वचनों के द्वारा, जैसे कि ब्रदर ने बोल रहे थे. तो मैं पढ़ रहा था यहाँ पे, तो सेकंड कोरिन्थियन्स चैप्टर 4 वर्स 7 से इस तरीके से लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे, बोल के इस तरीके से लिखा है. तो मैं सोच रहा था, तो मिट्टी के बर्तन तो इसको क्या दिखा रहा है इसका चित्र. तो मुझे लगता है कि मिट्टी का बर्तन जो है वो हम ही है एक तरीके से, क्योंकि परमेश्वर कुमार है और हम उनके हाथ के रचना है, लिखा है. तो हम वो बर्तन है जिसमें परमेश्वर अपने स्वर्गीय आशीष जो धन जो रखना चाहते हैं. पर इस बर्तन को अगर हम लोग गलत इस्तेमाल, मिस यूज करते हैं संसार की बातों से, संसार की जैसे उस मिट्टी के बर्तन में कोई भी पत्थर या कोई भी ऐसी लोहा या कोई भी चीज रखे तो वो नाश हो जाता है, फट जाता है. उसी तरीके से हमारा शरीर भी संसारिक बातों से, संसारिक कामों से जो हमारे शरीर में प्रकट होता है, तो उसके द्वारा ये शरीर भी नाश हो जाएगा. वरन परमेश्वर के लिए हम तैयार होंगे तो परमेश्वर का आशीष निश्चय हमें बना रहेगा. और आठवा पद में इस तरीके से लिखा है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं,
पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, तो इस तरीके से लिखा है। तो इसको भी समझने के लिए तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि हम लोग कभी कमी घाटी में भी हम लोग निराश होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो कमी था, जैसे कि उदाहरण पैसे की कमी है तो पैसे आ गया तो हमें शांति मिला, ऐसे नहीं है। तो बिना कमी घाटी के समय में भी परमेश्वर का वचन ही हमें जो है कंफर्ट कर देते हैं और हमें आनंद करते हैं, क्योंकि संसारिक चीज तो सब नाशवान है पर परमेश्वर का वचन ही है जो अविनाशी, जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हमें चलाते हैं। तो हमें एक आशा मिलता है कि हमारी जीवन ये उद्देश्य सिर्फ इस संसार के लिए ही नहीं पर इसके बाद भी आने वाले दिनों में भी, आने वाले समय के लिए भी प्रभु ने हमें तैयार कर रहे हैं। Yes, तो सेकंड कोरिंथियन चैप्टर 7 वर्स 5 पढ़ना चाहता हूं मैं। यहाँ इस तरीके से लिखा है, क्योंकि जब हम मकी दुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, पौलुस कहते हैं, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी। तो इसको भी प्रभु ने इस तरीके से दिखाया कि ये हम लोग दो तरीके से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के जो काम, बाहर का काम जो है, अंदर का काम जो हो रहा है आज हमारे विश्वासियों के जीवन में भी, हमारे मनों में भी, और ये कलीसिया में भी, कलीसिया के बाहर भी जो भी है, ये अंदर भीतर दोनों उसको हम लोग समझ सकते हैं आत्मिक रीति से। हमारे शरीर में भी जो भी हम सोचते हैं, गलत विचार हमें उत्पन्न होता है, और प्रकट में भी जैसे पौलुस ने कहा है, अगर अच्छी कल्पना भी करते हैं, हम लोग वचन को सुनते हैं, संगति में सहभागिता होते लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, फिर भी हमारे मनों में गलत विचार, जैसे कि ब्रदर ने कहा था, शरीर के काम जो है प्रकट होते हैं, जैसे कि रुपये पैसे का लोभ, प्राइड, घमंड, उसके बाद लैंगिक अभिलाषा, ये सब चीज जो है हमने प्रकट होता है। तो अंदर में भी ये भयंकर बात है, बाहर में भी वही है, हम लोग का कलीसिया के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। तो वो चीज को समझा रहे हैं। तो छह पद में लिखा है, तो भी दिनों को शांति देने वाला परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी है। तो परमेश्वर का जो भी अगुआ, जो भी हमारे हमारे लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उनके द्वारा जो वचन भी जो देते हैं, तो हम जहाँ अस्थिर रहते हैं, जहाँ हम जो संसार की चिंताओं से, बहुत चीजों से, बहुत एक छोटी सी छोटी बातों से भी हमें हम जो है भटक जाते हैं, फिर भी जैसे कि हम डेली हम ऑनलाइन के माध्यम से हम जो संगति करते हैं उसके द्वारा हमें बहुत बार परमेश्वर फिर से हमें जुड़ाते हैं, फिर से हमें प्रोत्साहन देते हैं, फिर से हम निरंतर उनके पीछे चलने के लिए हमें उत्साह देते हैं। जैसे कि गैलेशियन चैप्टर 4 वर्स 20 में भी लिखा है इस तरीके से, 19 से पढ़ता हूँ मैं, गैलेशियन चैप्टर 4 वर्स 19, है मेरे बालको, जब तक तुम में से तुम मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। जैसे कि गर्भवती महिला जो पीड़ा, जो लेबर पेन को सहती है, उसी तरह से अगुवाओं को भी हमारे लिए हमारे जीवन के लिए सोच के बहुत सारी चिंताएं होती हैं उनको भी, तो हमें भी ये बर्डन को समझना है। तो 20 पद में लिखा है, अच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। तो आज यही है, जो भी जैसे ब्रदर ने कहा, जिनको हम लोग के विषय को लेके, हम लोग का जीवन को लेके जो भी अगुआ है, सच्चा परमेश्वर का जो सेवा करते हैं वर्ड के साथ में, हम लोग को लेके काफी चिंतित होते हैं, जैसे ये चीज हम लोग भी अनुभव करते हैं। जैसे यूहन्ना के इस अध्याय में लिखा है कि प्रभु ने पत्रस से पूछा था कि पत्रस, की तुम मुझसे प्रेम करते हो, 3 बार पूछा है, हाँ प्रभु मैं आपसे प्रीति करता हूँ, तो मेरे भेड़े को चराओ बोल के प्रभु ने इस तरीके से कहा था। वैसे हम में से हर एक को जो भी हमें जो प्रभु बर्डन देते हैं, हमें वो बोझ देते हैं, उसके द्वारा हम भी एक दूसरे को उत्साहित करते हुए हम परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने के लिए हर एक को सहायता मदद करें, खुद भी बढ़ते जाए और हर एक भाइयों को भी प्रभु आशीष करे और प्रभु की स्तुति हो। आमीन आमीन आमीन।
मैं भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने भी बहुत सारी चीजें मुझे सिखा रहे हैं, उसके द्वारा भी मुझे प्रोत्साहन मिलता है, तो मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि प्रभु बचन भी बताते, आज का टॉपिक था कि हमें खुद के लिए मरना है, तो किस प्रकार से फर्स्ट थिस्सलुनीको चैप्टर 1:9 में लिखा है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। तो प्रभु ने हमें अनुग्रह से अपने राज में बुलाया कि हम अब पूरी तरह से जीवित परमेश्वर को सेवा करें। तो इसके प्रभु ने जब उनके पीछा मैं करना चालू किया तो बहुत सारे दुख तकलीफ और सताव और अलग अलग परिस्थिति आया, लेकिन उस सिचुएशन में भी पवित्र आत्मा हमेशा हमें प्रोत्साहन करता है कि उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि क्योंकि उनके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु का अनुग्रह होने से वो भी बच जाते हैं। जैसे मसीह के लिए, जैसे साधु सुंदर सिंह ने भी बताया था कि मसीह के लिए मरना सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा या कुछ समय लगेंगे, लेकिन मसीह के लिए जीना हर दिन हमें मरना पड़ता है। तो ये बात सही है, प्रभु के लिए जीने के लिए हर दिन मुझे मरना पड़ता है, खास करके आंखों की विलासा और अलग अलग परिस्थितियों में जब हमें कोई दो सताते हैं। हाल ही में आज के दिन ही मैं एक जगह कुछ स्नैक्स लाने गया था दुकान में, तो एक महिला थी, उसके बच्चे का थोड़ा हाथ उठ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, तो काफी टाइम से वो उनको देखा था बहुत टाइम से, तो उन्होंने बोला कि आपके लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। मैंने बोला उनके लिए, तो बोला हाँ मैं विश्वास करती हूँ, इधर चर्च में जाना चाहती हूँ। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, कोई उसको मैंने बुक भी देना चाहा, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि आपको मैं जरूर फोन करूंगा तो मैं बताऊंगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, एक बुक मैंने क्रिसमस टाइम दिया था उनको पढ़ने के लिए, वास्तविक सत्य। तो बाद में उधर ही एक जवान लड़का आया था, वो बोला कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, तुम गीता उता पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। तो मैं इस सिचुएशन को देख रहा था, बाद में प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया और कि मेरे थोड़ा सा शैतान का अलग अलग थोड़ा सा स्मेल मेरे को ऐसा आ रहा था कि अभी निराशापन, लेकिन प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि उस जवान के लिए भी प्रार्थना करो और उनके लिए भी प्रार्थना करो। तो मैं गुप्त में उनके लिए प्रेयर किया, और क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मेरे नाम के कारण, जैसे भाई ने भी शेयर किया, सब लोग, सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे, क्योंकि वचन रोमियो में बताता है कि क्या ही सुहावने है वे पैर जो सुसमाचार को लेके जाता है। तो प्रभु ने जब भी हमें प्रोत्साहन प्रभु देते हैं तो हमें उनको सुसमाचार बताना चाहिए। सताव हर जगह ये मैंने प्रभु में अनुभव किया, लेकिन उस समय भी प्रभु हमें प्रोत्साहन देते, जैसे एक्स चैप्टर में 14 में भी 22 में लिखा है कि चेले को स्थिर करते हैं थे कि हमें बहुत दुख और संकट उठा के प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। और हाल में आज शाम को भी मैं पढ़ रहा था जोसेफ के बारे में, ये अपना 50 जेनेसिस, तो उसमें मैं ये पढ़ रहा था, तो तभी मैं देखा जोसेफ के लाइफ में कितने सारे दुख तकलीफ आया, लेकिन एक वचन वहां पे ही बहुत प्रोत्साहन दिया मुझे, जेनेसिस चैप्टर 50, जेनेसिस के अध्याय 50 में वहां पे लिखा हुआ है कि जोसेफ जो है 50:17 कि हम तुम लोग यूसुफ ने क्या किया था, उसे क्षमा कर दिया था, वो सब जब भी उन्होंने माफी मांगा तो उन्होंने जोसेफ ने पूरे दिल से क्षमा किया, तो जोसेफ का उस समय हृदय कैसा होगा, क्योंकि उसके भाई लोग ने बहुत सताया था, बहुत सारे कुएं में डाल दिए थे, अलग अलग परिस्थितियों में उन्होंने, लेकिन उसका दिल उसने क्षमा कर दिया, और उसने बोला भी कि क्या मत डरो क्योंकि मैं परमेश्वर की जगह पर नहीं हूँ। तो गॉड ने हमेशा इनकरेज किया कि हमें हमेशा कोई भी हमें सताओ, निराश करे या कोई भी छोटी छोटी बातों से भी हमें चोट पहुंचाए, फिर भी हमें उसके लिए प्रार्थना और क्षमा करके उधर ही उस सिचुएशन को प्रभु के हाथ में दे देना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक महीने पहले जूम मीटिंग खत्म होने के बाद मैं ऐसे खाना बनाने के लिए एक प्लान करता था तभी, लेकिन इधर वेजिटेबल नहीं था, कुछ भी नहीं था, दाल भी पूरा दाल खत्म हुआ था। मैं ऐसे नीचे एक
दाल वेजिटेबल दुकान जाने के लिए सोचा, नीचे गया था। अभी मैं सीधा एक इधर का एक सेक्रेटरी था उसका घर पे मैं गया ऐसे जाने के बाद उधर ऐसे बात करते करते गॉस्पेल थोड़ा बोला, जीसस के बारे में थोड़ा बोला। उसके बाद उसका वाइफ भी था, उसका पहले उसको मैं बोला था, वो इधर का ओल्ड सेक्रेटरी वो इधर इसका उसके बाद ये वाइफ भी था, फैमिली भी था, सब लोग था उधर घर पे। वो बोला मैं थोड़ा गॉस्पेल बताया। गॉस्पेल बताने के बाद ऐसे बात करके करके वो लोग चाय लेके आया। ओके, चाय भी पिया। उसके बाद बात करते 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 3 बजे हो गए, पता ही नहीं लगा मेरे को। 2 बजे उधर नीचे दुकान का ये दुकान बंद हो जाता है वेजिटेबल का। उसके बाद चलो अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं सीधा ऐसे नीचे गया। नीचे जाके उधर देखे तो दुकान बंद है। उसके बाद मैं ऐसे दूसरा दुकान है के देखा, उधर भी वो पूरा नीचे पूरा क्लोज करता था वो दुकान पूरा। 2 बजे बंद होता है उधर, नीचे पूरा लादी पहुँचता था, पूरा बंद किया था पूरा। बाद में उधर से चलो अभी कुछ भी नहीं, चलो जाएगा करके उधर से टर्न हो गया ऐसा। उसका उसी टाइम कॉल आया, वो आदमी का कॉल आया, आ जाओ खाना खाने के लिए करके। मैं वही सोच रहा था, ये हम अपना छोड़ के कुछ भी, हम अपना खुद का छोड़ के गॉस्पेल के लिए मैं ऐसे ये किया, गॉड कुछ दूसरा एक रास्ता दिखाता है ऐसा। कोई खाना ऐसा नहीं है वो फ्री मिला बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिर भी हम गॉड का गॉस्पेल के लिए हम हमारा टाइम हमारा खुद का छोड़ के ये करेगा तो गॉड किधर भी दूसरा एक रास्ता दिखा दे करके ये हो गए ऐसा। मैं बाद में आके तो घर पे गया, एक दो बुक दिया बस, इतने बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। Anybody else? I'm sure. एक दो brothers भी और share कर सकते हैं। Hello, brother. हाँ बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ। ये नीतिवचन का 23 और वर्ष 17 है, यहाँ लिखा है, तो पापियों के विषय में मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। 18 में लिखा है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरा आशा ना टूटेगा। तो यहाँ परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जब कोई गलती काम हो जाता है किसी दूसरे आदमी से तो उससे हम घृणा करते हैं। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस वचन से प्रोत्साहन मिला कि ऐसे लोगों के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करना चाहिए, तो ही हमारा परमेश्वर हमारे आत्मा को ग्रहण करेंगे और तभी हम उसके संतान ठहरेंगे। पहले तो बहुत ऐसा मन में क्रोध, वो कैसा किया, वो अपना मन में उसके 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 विरोध में बहुत तरह तरह का बातें होता था कि इतना बेकार आदमी है, ऐसा है। लेकिन अभी ये वचन से प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है, प्रभु के सामने में घुटना टिकना है ताकि उनका भी मन बदले, वो भी जाने प्रभु। तब यहाँ प्रभु साहब बात कर रहे हैं कि तुम्हारा फल हमारे हम स्वर्ग में यहाँ सॉरी एक मिनट क्योंकि अंत के फल होगा और तेरा आशा ना टूटेगा। तो प्रभु के सामने हमारा आशा कभी ना टूटेगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु को। आमेन।
प्रभु का वचन कहता है कि हमारा जीवन में हमको कष्ट उठाना पड़ेगा तभी, तो प्रभु हमको बताते नहीं, लेकिन प्रभु से कहता है कि हम आप, मैं आपके साथ हुआ। जरूर हमको ये महसूस होता है कि इतना सारा तकलीफ से हम गुजर गए हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। प्रभु का भी हम, प्रभु ने वचन बहुत ही सही है, प्रभु हमको कभी छोड़ा नहीं। हम तो प्रभु से दूर हो गया, लेकिन प्रभु हमको कभी छोड़ा नहीं। तब जैसे ब्रदर ने यूसुफ के बारे में बोल रहा था, मैं भी सोचता कि 17 साल का लड़का था, उनका भाइयों ने इनके ले के कुएं में डाल दिया, बाद में कुएं में डाल के निकाल के उनको कितना हैरान किया, उनको बेच दिया। और वो तो तड़प रहा था, मुझे बस कुछ करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। और यूसुफ को कुछ नहीं मालूम था, भाई क्या हो रहा है मेरे पास, मेरे भाई लोग ऐसा मुझे हैरान कर रहा है, मेरे भाई लोग मुझे बेच रहा है, बिल्कुल उनका कपड़ा अपना निकाल के नंगा करके एक भिखारी जैसा बेच दिया उनको। वो क्या सोच रहा होगा, प्रभु मैं कहाँ है, प्रभु कहाँ है, प्रभु मैं प्रभु का प्यार किया, प्रभु से मैं कितना अच्छा लड़का हूँ, लेकिन प्रभु ने कुछ पता ही नहीं उनको। लेकिन उन्होंने प्रभु के ऊपर आशा कभी छोड़ा नहीं, उनको एक दास बना के बेच दिया, लेकिन प्रभु उनके साथ है। ऐसा वचन हम लोग उत्पत्ति में लिखा है कि प्रभु उनके साथ थे, क्योंकि वो नम्र थे। प्रभु आप हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और कितना साल, 17 साल तक, 30 साल तक प्रभु ने उनको कभी कभी जेल में डाल दिया, झूठे इल्जाम लगाया उसके ऊपर, पर अल्टीमेटली उनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा था, वो एक राजा बना मिस्र में। तो हमारा जीवन में भी हमको प्रभु पूरा कहता नहीं, तो हमको झेलना पड़ता है बहुत टाइम के लिए, लेकिन हम तो बिल्कुल प्रभु के साथ नम्र होना चाहिए। प्रभु हमारा सर्जनहार है, ही हैज मेड अस, हमको हमारा करेज हियाब कभी छोड़ना नहीं चाहिए, प्रभु के पास चलना चाहिए। प्रभु मैं तो मेरा इच्छा नहीं करना हूँ, जो कुछ भी आप तो मेरा जीवन में आप ही करेंगे, प्रभु आप मेरा अच्छा के लिए करेंगे, मैं नम्र होके आपके साथ चलेंगे, क्योंकि आप ही मेरा आशा है, आप ही मेरा रखवाला है। सो इतना अच्छा जोसेफ का इतना निर्णय हुआ था, और उसका फ्यूचर बहुत ही, भविष्य बहुत अच्छा हो गया उसके बाद। उन्होंने बाकी उनका बच्चों, उनका भाई को भी कितना वैसा बचाया, उनका पिताजी को देखा, इतना सारा भलाई हुआ उसका जीवन से। हमारा जीवन में भी प्रभु इतना सारा तकलीफ में गुजरना पड़ता है, लेकिन हमको अभी समझते नहीं था कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, घर में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और बाकी चर्च में अपना ऑफिस में पैसे की कमियां क्यों होता है, बीमारी क्यों होता है, ये सब प्रभु हमारे भलाई के लिए करता है, बाद में हमको मालूम पड़ेगा। और सब ये पृथ्वी, ये जीवन में भी हमको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन हम स्वर्ग में जाएंगे जरूर। प्रभु कहते हैं हाँ, प्रभु कितना भलाई था, कितना अच्छा था कि मुझे ये सब तकलीफों से गुजर गया, इसलिए मेरा खजाना इतना बढ़ गया। मैं वी हैव अ ट्रेजर इन अदर प्लेसेस, खजाना बढ़ते जाएंगे। कई लोगों का खजाना वो कमती कमती हो रहा है, क्योंकि वो सुख संपत्ति के लिए पीछे जाते हैं। तो प्रभु को हम कभी कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और प्रभु की महिमा के लिए हमको कभी भी मौका मिले हमको बताना चाहिए। इसलिए ब्रदर्स, आपके मुंह से हमेशा प्रभु के बारे में हमेशा बोलना चाहिए, सबके सुसमाचार। मैं भी आज सोच रहे थे कि प्रभु ने हमको, भाई लोगों को मुंह खोलने के लिए बोला है, और हमारा जीव पास ब्रदर जैक का कोई पुस्तक, कोई बाइबल है या कुछ रियल ट्रूथ है, वो सब हमारे पास रखना चाहिए। थोड़ा स्टॉक होना चाहिए घर पे, कि कभी भी हमारे पास कुछ, हमारे बैग में भी होना चाहिए, कभी भी किसी को दे बेच सकते हैं। मैं भी हमेशा देता है, कोई भी पूछता है मैं, ठीक है मैं दे बेचता हूँ आपको, आपको अगर कुछ कॉपीज चाहिए तो हम यहाँ से बेच सकते हैं, थोड़ा खरीद के आपका जो पैसा भी है थोड़ा अलग रखना चाहिए। और ये प्रभु के लिए, प्रभु का काम के लिए, मैं तो रखूंगा, मैं दूंगा प्रभु का काम सुसमाचार फैलने के लिए। तब वो देखो हमारा जीवन में कितना आनंद आएंगे, प्रभु हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे लिए, हमको बचाने के लिए आया है, हम भी दूसरों को भी बचाने के लिए ये उनके साथ भी जुड़ना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो गो अलॉन्ग विद द लॉर्ड, मस्ट नॉट से मेरा काम मेरा टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रभु तभी तो हम सबसे बहुत ही खुश होगा। सो लेट अस प्रे, और प्रभु हमारे साथ रहेंगे, इसलिए भी प्रार्थना करना। कल सुबह का मीटिंग 10 बजे है, परेड में हम लोग मीटिंग करेंगे, जूम मीटिंग भी चलेंगे साथ साथ में। जूम मीटिंग भी हम लोग इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो माइक सिस्टम कर रहे हैं वो तो थोड़ा जल्दी आ जाना कल 9:30 बजे तक, सो वी कैन हैव अ गुड मीटिंग। सो बाकी लोग भी प्रे करना, यू ऑल्सो कैन ज्वाइन द मीटिंग। सो प्रभु की महिमा के लिए हम जिए,
अपने अच्छे के लिए नहीं. सो लॉर्ड वी प्रे ऑल ब्लेस द मीटिंग, ब्लेस टुमारोज मीटिंग लॉर्ड, फिल अस ऑल द होली स्पिरिट दिस लास्ट डेज लॉर्ड. प्रभु हमको बहुत ही कम समय है प्रभु जी, आपके लिए जीना है प्रभु, हमारे लिए नहीं, हमारा इच्छा के लिए नहीं, हमारा जॉब के लिए नहीं, लेकिन आपका महिमा के लिए हमको जीना है. कहाँ भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है प्रभु, हर जगह इंडिया में प्रभु, उनको भी एक बोझ दे दीजिए कि दूसरों को भी रीच आउट करे प्रभु जी, कोई बिलीवर्स अनबिलीवर्स से सुसमाचार बोलने के लिए प्रभु. आपको हमको ये एक प्रिविलेज दिया है, एक मौका भी दिया प्रभु, ये हम निभाएंगे आपकी महिमा के लिए. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन. गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स, गॉड ब्लेस यू एंड लिव फॉर हिम एंड फिल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट.